नमस्कार साथियों, आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम और आपके लिए अनअकैडमी लिख के आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आप यहां पर अनअकैडमी पर राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबकी ऑनलाइन तैयारी आप आसानी से कर सकते हो और अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर दोस्तों आपके लिए फुल कोर्स या कंप्लीट कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। और यदि आप अनअकैडमी पर तरह तरह के फायदे उठाना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से डाउनलोड करो और ये आपको आपके मोबाइल प्ले स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा। दोस्तों, क्या क्या फायदे होंगे यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, वहाँ पे आप अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, ठीक है, लाइव क्लासेस के दौरान ही अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। दूसरा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, इट मीन्स स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्स मिलेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो और पता लगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। लाइव टेस्ट और क्विज दी जाएगी ताकि अपने आप का मूल्यांकन कर सको, सुधार कर सको। अनलिमिटेड एक्सेस है, इट मीन्स आपने एक बार कोर्स खरीदा तो आप उसे इतनी भी बार देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों तरह तरह के कोर्स उपलब्ध है। यदि आप 12 महीने का कोर्स लेना चाहते हो तो आपके लिए 7,000 रुपये में उपलब्ध है। और यदि आप JL10 मेरा कोड याद रखे, जब भी ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये है कोड JL10, और जब JL10 कोड आप यूज़ करोगे कोर्स खरीदते वक्त तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे यही कोर्स आपको मात्र 6,300 रुपये में मिलेगा। ठीक है, जो कोर्स आपको 7,000 रुपये मिल रहा था वही कोर्स आपको 6,300 रुपये में मिलेगा। अब 6,300 रुपये में यदि RPSC का सब्सक्राइब किया हो तो RPSC के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। दोस्तों, लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ में आपको पीछे PDF भी आपको दी जाएगी। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, तो पूरा कंप्लीट पैकेज होगा। ठीक है, आप ले सकते हो, पूरा फायदा उठा सकते हो। जब भी कोर्स खरीदे तो JL10 कोड अप्लाई करें। ठीक है, 24 मंथ का कोर्स आपके लिए 8,400 रुपये में उपलब्ध है। और यदि कोड जो है JL10 इसे अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इससे यही कोर्स आपको 7,560 रुपये में मिलेगा। डिफरेंस देख सकते हो, 12 महीने और 24 महीने के कोर्स में ज़्यादा फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको एक साल का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, एक साल का पूरा फायदा मिलेगा यदि 24 महीने का कोर्स यदि आप लेते हो। तो दोस्तों, आज हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पटवार में आने लायक है, तो हम एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। पिछला वाला यदि आपने देखा हो तो टाइम एंड वर्क का कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है। यदि किसी स्टूडेंट ने देखा है और उसके नोट्स बनाए या प्रैक्टिस भी की है तो आपके एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला। एक घंटे 10 मिनट का वीडियो है और उसमें आपके जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं वो सारे उसमें मैंने डाले हैं और बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से समझा है। जाके सबसे पहले वो वीडियो देखें। और एक साथ दूसरी हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस ले रहे हैं, यानी अर्थमेटिक और आपके मेंसुरेशन वगैरह जितने भी मिक्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे तो उनकी मिक्स में लेके चल रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन मिक्स में आने वाले हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताना है। आप भी प्रैक्टिस करते रहें और आंसर साथ में बताते रहे कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, तो आप आंसर बताएं और यदि कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ में रहूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को X मिनट तक खोला जाता है, फिर Q को बंद कर दिया जाता है, तो शेष को P द्वारा 5 मिनट में भर दिया जाता है, तो X का मान क्या होगा? सबसे पहले तो मैं, यदि आपने टाइम एंड वर्क की मेरी क्लास पढ़ी होगी, देखी होगी, तो मैंने इसके लिए LCM मेथड बताया है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले देखेंगे कि हम P कितने मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में, और Q कितने मिनट में भर सकता है, 16 मिनट में। हमने क्या करना है, टंकी का आयतन यानी टोटल वर्क हमें निकालना है, तो इसका LCM देखना है कितना होगा। दोस्तों, LCM हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, यानी 12 मिनट में कंप्लीट भर सकता है। दोस्तों, तो एक दिन में कितना भरेगा, 4, कितना होगा, 12 चौके 48, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4। इसी प्रकार 16, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, यानी कि
अब बे जो पी है वो कंप्लीट भर सकता है 12 मिनट में, तो एक दिन में कितना भरेगा, 4, 16, ये कंप्लीट भर सकता है 16 मिनट में, तो एक मिनट में भरेगा 3, यानी कि इनकी एक दिन की एफिशिएंसी दोस्तों आ गई। यदि पिछला वीडियो मैंने बताया था किसी ने सीखा है तो जरूर जाके देखिए मैंने सिखाया किस तरह से करना है। यदि इतना सीखा है तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं, टाइम एंड वर्क से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि दोनों को हमने एक्स मिनट तक खोला है, एक्स मिनट तक खोला है, ये एक मिनट का काम हो गया एक दिन, या एक यदि मिनट में है, यदि मिनट में है तो ये एक मिनट का काम हो गया, ये एक मिनट का काम हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स मिनट तक दोनों को खोला है तो 4 और 3 7, और दोनों को कितने टोटल कितने मिनट तक खोला है, एक्स मिनट तक, तो कितना भरेगा 7x। उसके बाद में हमने क्यू को बंद कर दिया तो रिमेनिंग कौन भरेगा, पी भरता है, और पी कितने मिनट तक भरता है, 5 मिनट तक भरता है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20, और टोटल ये मिला के हमारा कितना भरता है, टोटल 48। तो देखिए 7x बराबर कितना हो जाएगा 28, और x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। टाइम एंड वर्क का यदि आपने देखा है वीडियो तो जाके देखे, सबसे पहले हमने क्या करते हैं दोनों का निकालते कितने टाइम कितने दिन या कितने मिनट में भर सकते हैं, फिर हम LCM से टोटल वर्क निकालते हैं, फिर देखते हैं कि एक दिन या एक मिनट का है तो मिनट का निकालते हैं कितना होगा, 12 चौके 48 और 16 3 48, ये इनका एक मिनट का काम आ गया, 4 और Q का एक मिनट का 3 हो गया। कितने मिनट तक दोनों को खोला जाता है, 4 और 3 7, 7 को कितने मिनट तक खोला जाता है, x मिनट तक। फिर हम क्या करते हैं Q को बंद कर देते हैं और P भरता है रिमेनिंग को 5 मिनट तक, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20, तो टोटल कितना भरा इन दोनों ने मिला के 48 तक, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7x = 28 और x = 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साथ साथ में दोस्तों मैं ट्रिक भी बताते जाऊंगा, बेसिक तो आपको पढ़ाई है और ट्रिक ऐसे समझोगे कि आसानी से आपके हो जाएगा, ठीक है। यदि देखिए ये आपके क्वेश्चन है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है यदि उसमें 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। ये आप x मान के तो करते होंगे दोस्तों, ठीक है, कि 48 व्यक्ति को औसत आयु माना x है तो कितनी हो जाएगी, टोटल योग 45x हो जाती है। फिर 60 वर्ष का एक व्यक्ति उसमें ऐड कर देते हो, x कोई माइनस कर देते हो, तो ये आपका बेसिक मेथड पुराना वाला हो गया जो सब करते हैं। एक फॉर्मूला इसमें याद रखे, जब भी एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति जाता है, दोनों का पूछा जाए यदि, या तो फिर नए व्यक्ति का या फिर पुराने व्यक्ति का, दोनों का पूछा है तो किसे एक फॉर्मूला याद रखे, आने वाले का भार, पहले भी मैंने बताया था, आने वाले का भार बराबर जाने वाले का भार प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी हो रही है। यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखना है, कमी हो रही है औसत में तो माइनस रखना है। औसत प्लस माइनस औसत इनटू टोटल संख्या, यानी कितने लोग हैं सामने ग्रुप में, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है यदि उसमें 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, यानी 60 वर्ष का जो व्यक्ति वो गया है और नया व्यक्ति आया है, तो नए व्यक्ति का आयु पूछी है, तो नए व्यक्ति यानी आने वाले का भार पूछा है, तो आने वाले का भार देखिए, आने वाले का भार कितना होगा 60 प्लस माइनस, यानी माइनस हो रहा है, कमी हो रही है, तो कितनी हो रही है 1/9 वर्ष कमी हो रही है, तो -1/9 और इनटू क्या करना है संख्या कितनी टोटल व्यक्तियों की 45, तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 60 में से 5 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 55 वर्ष, ये होगा हमारे आने वाले का भार। ये फॉर्मूला याद रखें, यदि इसमें कभी आपको कुछ भी पूछा जाए, आने वाले का पूछा जाए, जाने वाले का पूछा जाए, औसत में वृद्धि हुई या कमी हुई ये पूछा जाए, या टोटल संख्या पूछी जाए, कोई भी ज्ञात कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी साथ में पेन चलाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए, बेसिक तो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको केवल प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज हम चला रहे हैं। 2 साल के लिए 4 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 102 रुपये है,
समान दर और समान अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। आपके हमारे पास में समय है 2 साल, दर है 4 वर्ष और चक्रवर्ती ब्याज दिया है हमें 102 रुपये। हमें सबसे पहले हमें देखना है कि मूलधन क्या होगा। अगर मूलधन होगा तो उसी मूलधन पर, उसी दर पर और उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में समान दर और समान अवधि तो है, समान दर और समान अवधि तो है, हमारे पास में साल और समय दर दोनों है, लेकिन हमारे पास में समान राशि यानी मूलधन हमारे पास में नहीं है। तो मूलधन हम ज्ञात करते हैं और उस पर साधारण ब्याज कितना होगा ये देखते हैं। एक तो जो होगा ट्रेडिशनल मेथड जो होता है हमारा, जो होता है फॉर्मूला वाला, उसमें हम क्या करते हैं P1+R की पावर टाइम कितना है तो 2 और माइनस पी करके ये बराबर 102 दिया। एक तो हो गया ये होगा हमारा ब्याज का। दूसरा एक जो तरीका है, दूसरा वाला हम क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में इसको तोड़ देते हैं। 4% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/25। और 1/25 इसी दर से यदि हमें मूलधन और मिश्रधन का रेशो निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 25 है मूलधन और ये है मिश्रधन, 25+1 क्या हो जाएगा ब्याज, ये पहले साल का होगा और दूसरे साल में क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी 25 का हो जाएगा 26, 1 बढ़ गया मिश्रधन हमारे पास में, और दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 625 ही हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 676। स्क्वायर याद रखना 676 कितना होता है स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया मिश्रधन, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो हो जाएगा हमारा 51 और 51 क्या हो जाएगा हमारा ब्याज। अब ये जो ब्याज दिया है, ये रेशो का डिफरेंस है, ये जो ब्याज है वो कितना दिया है 102 रुपये, यानी 51 यूनिट की वैल्यू है 102। हमारे पास में मूलधन कितना है 625, ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे मूलधन दोस्तों, मूलधन हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों 102/51 × 625, ये हो जाएगा मूलधन। अब हमारे पास में दोस्तों मूलधन भी है, समय भी है और दर भी है, ठीक है। अब इसी पर साधारण ब्याज करना है तो साधारण ब्याज का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, P × T × R/100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। P हमारे पास में ये रहा, P कितना हो जाएगा दोस्तों 2 साल और 4% दर पे निकालेंगे डिवाइड बाय 100। आप आंसर निकालेंगे, काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 से ये 25 और 25 और 4 मिला कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये, क्लियर है। इसी रेट से आप मूलधन और मिश्रधन का रेशो आप निकाल सकते हो। 1 साल का पूछा है तो 25 और 26 होगा, और दूसरे साल का पूछा है तो 25 × 25 यानी 625 और 676। तीसरे साल का पूछा है तो इसका भी 25 करेंगे, इसका 26 करेंगे, आगे इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 20 की वृद्धि होने पर उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पूर्व छात्रों की संख्या कितनी थी ये आपसे पूछा गया है। संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, संख्या में कितनी हो रही है, तीनों में वृद्धि हो रही है 20 20 20 की, और अनुपात कितना हो रहा है 4:5:7। तो इसमें आप देख सकते हो डिफरेंस जो है, यदि डिफरेंस अलग अलग होता तो हम फिर अलग अलग निकालते 3 और 5, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है दोस्तों 4, 5 और 7। आप देखोगे कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस। तो ये जो 2 का डिफरेंस आ रहा है वो कितनी वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि होने के कारण है, यानी 2 की 2 बराबर कितना, अगर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 1 की कितनी हो जाएगी दोस्तों 10। अब 1 की 10 है तो हम इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। प्रारंभिक पूर्व वृद्धि से पूर्व छात्रों की संख्या पूछा है, 1 की बराबर 20 है तो 2 की कितनी हो जाएगी दोस्तों 20, और 3 की कितनी हो जाएगी 30, और 5 की कितनी हो जाएगी 50। तो टोटल हमारे कितनी हो जाएगी 50, 30 और 20 कितना हो जाएगा 100। तो वृद्धि से पूर्व जो छात्रों की संख्या थी वो थी 100। यदि अंतर समान है तो फिर आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर एक्स मान के करना पड़ता। चलिए
एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, उसमें से 6 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाता है, यही प्रक्रिया दो बार और की गई तो अंत में दूध की मात्रा कितनी होगी। यदि पूर्व की क्लासेस मेरी परसेंटेज की किसी ने देखी है तो उसमें मैंने बताया था आपको, यदि इस प्रकार से होता है कि टोटल मात्रा में से इतना दूध निकाला जाता है, इतना पानी, फिर प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है क्योंकि आपने 6 लीटर निकाला है और वापस 6 लीटर पानी डाला है, फिर वापस 6 लीटर मिश्रण निकाला है, फिर 6 लीटर दूध पानी डाला है। यदि कभी कभी क्वांटिटी चेंज होती है, 6 की जगह पहले 6 फिर 4 कभी 3, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है, किसी को पता होगा कि मैंने जो बताया था प्रारंभिक मात्रा कितनी है दोस्तों, 1 माइनस कितनी निकाली गई बटे प्रारंभिक मात्रा और पावर क्या करते हैं समय, हम इस प्रकार से करते हैं। ये कितनी होगी अंत में दूध की मात्रा या अंत में किसी की मात्रा जिसकी भी पूछी हो वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा हमारी कितनी है 60 और 1 माइनस कितनी निकाली गई है 6 लीटर दूध निकाला है और प्रारंभिक कितना है 60 और प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, यहाँ पे प्रक्रिया लिख सकते हो समय की जगह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई है दोस्तों, दो बार और, यानी एक बार तो पहले निकाली उसमें से 6 लीटर दूध निकाला है और उतना पानी मिलाया और उसके यही प्रक्रिया दो बार और की गई है, यानी कुल मिला के 3 बार ये प्रक्रिया की गई है, तो 3 करेंगे हम घात में। ये कितनी बार कटेगा दोस्तों 10, तो 1/10 हो जाएगा और फिर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आगे 60 × 9/10 और कितना हो जाएगा 3, तो 60 × 9 × 9 × 9 और डिवाइड बाय 10 × 10। आंसर आप देखोगे कुछ नहीं करना, इन सब का 0 से 0 कट जाएगा, इन तीनों का ये कितना 9 का क्यूब 729 × 6 करोगे तो आंसर जो आएगा हमारा 4374 किलोग्राम, ये है आपका आंसर। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा और कितनी प्रक्रिया है तो वो घात में आपको लगानी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। रमेश ने 6 काली और 1 सफेद बोतल खरीदी है, ठीक है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो खरीदी है। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल का 5/2 है। बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बॉल की संख्याओं को बदल दिया, जिससे बिल 45% यानी 45% बढ़ गया हो तो एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात कर। रमेश ने 6 काली और 1 सफेद बॉलें खरीदी, ठीक है। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल का 5/2 है, लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बॉल की संख्याओं को बदल दिया, जिससे बिल 45% बढ़ गया, यानी पहले जो बिल बनता था अब संख्या बदल दी, काली और काली की जगह सफेद संख्याओं का लिख दिया और सफेद की जगह काली लिख दिया, क्योंकि दोनों का जो है कीमत अलग अलग है, इसलिए बिल भी पहले जो बनता था उससे क्या हो गया बढ़ गया, 45% बढ़ गया। तो x की वैल्यू आपको, यानी कि सफेद बॉल कितनी थी इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है कि काली बॉलें कितनी है, काली और ये है सफेद, काली बॉलें कितनी थी 6 और सफेद कितनी थी x, और इनकी कीमत कितनी है। देखिए काली बॉल की कीमत सफेद बॉल का 5/2 है, यानी यदि काली बॉल 5 है तो सफेद बॉल कितनी हो जाएगी 2, इसकी कीमत यदि 5 रुपये है तो सफेद बॉल की कितनी हो जाएगी 2 रुपये, ये इनका अनुपात है दोनों का पैसों का यानी कीमत का, ये होगी संख्या हमारे पास। अब दूसरी बार क्या क्या है, बिल बनाते हुए क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बॉल की संख्याओं को बदल दिया, यहाँ पे ये संख्या 6 और x थी तो कितना हो गया उल्टा कर दिया, यानी जो संख्या बदली है वो कितनी हो जाएगी x और 6। अब देखते हैं, अब पहले बिल बनाता तो ये संख्या लेता और दूसरी बार बिल बना रहा है तो ये संख्या ली, तो पहले बिल बनाते तो कितने रुपए होते दोस्तों, पहले बिल बनाते तो 6 काली गेंदे और कितना 5 रुपए है, तो 6 काली गेंदों का कितना हो जाता दोस्तों 30 और x सफेद गेंदों का कितना हो जाता दोस्तों टोटल 2x, ये पहले होता बिल। और अभी कितना हो रहा है दोस्तों बदलने के बाद में, अभी x यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 5x हो गया,
और कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, क्योंकि संख्या यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों, 6 इधर आ गई, कीमत तो वही रहने वाली है लेकिन संख्या बदली है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब इससे बिल कितना दोस्तों, 45% बढ़ गया, यानी पहले 100 था तो अभी 145 हो गया, ये बढ़ गया, दोनों का रेशो आ गया। ये पहले वाला बिल है, ये पहले वाला जो बिल है ये वर्तमान बिल है, और ये इन दोनों का रेशो आ गया, बढ़ गया 100 था तो 145, यानी 45% बढ़ गया, रेशो हमने निकाला है। अब आप काट सकते हो आगे, ये 5 से 20 बार, ये 5 दूनी 10, 5 9 40, कितना हुआ 29, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, हो जाएगा 870 प्लस ये 58x, ये हो जाएगा 100x प्लस 240, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इधर माइनस आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 42x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 630, और x बराबर कितना हो जाएगा, 630 बटे 42 7 से 6 बार, और ये कितना हो जाएगा 50, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 50, x यानी कि सफ़ेद बॉल। तो हमें पूछा क्या गया, क्या गया था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्लियर है दोस्तों, x काली और नहीं x सफेद, 6 काली और x सफेद, कीमत 5 और 2, फिर बदल दिया 6 और x था तो x और 6 हो गया, पहले कितना हो जाता मूल्य, बिल कितना हो जाता 6 × 5 = 30 प्लस 2x, और अब कितना हो गया 5x और प्लस 12, दोनों का जो रेशो आएगा बिल का वो होगा 100 और 145, फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। ये आपके टैक्स का है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, ये आपकी है इनकम, इसमें आपको एक चीज सीख लेना, इनकम है, अब इसमें से आप टैक्स भरोगे, कुल कितना टैक्स भरोगे, इनकम में से आप कुछ टैक्स भरते हो, और टैक्स भरने के बाद में जो रिमेनिंग आपके पास में रहता है वो होती है आपकी नेट इनकम, यानी कि शुद्ध इनकम, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी आपकी जो इनकम है उसमें से टैक्स भरोगे तभी आपके पास में शुद्ध इनकम आएगी। अगर इनकम टैक्स में 17% की वृद्धि होगी, यानी इनकम आपकी जो इनकम टैक्स है इसमें 17% की वृद्धि हो गई, तो शुद्ध इनकम 3% कम होगी, यानी नेट इनकम 3% कम होगी, यानी जो इनकम टैक्स में जो वृद्धि हुई है वह नेट इनकम में आपके कमी के बराबर है। जो 17% की इनकम में टैक्स में वृद्धि हुई है वो नेट इनकम में 3% की कमी के बराबर है। तो आप आईटी इनकम टैक्स की 17% बराबर शुद्ध इनकम का 3% दोनों बराबर लिख सकते हो। तो शुद्ध इनकम क्या करेंगे, नेट इनकम का कितना होगा 3/100, 100 से 100 हमारा कट जाएगा, और इनकम टैक्स बटे नेट इनकम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/17। यदि हमारी इनकम टैक्स 3 है और नेट इनकम हमारे पास में 17 है, तो दोस्तों टोटल इनकम हमारे पास में कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास में 3 है, ये हमारे पास में 17 है, दोस्तों ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, टोटल कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20, यानी इनकम हमारे पास में कितनी हो जाएगी 20, उसमें से आपने क्या किया है, इनकम टैक्स कितना भरा है 3, इसलिए आपकी शुद्ध इनकम नेट इनकम कितनी हो रही है आपके पास में 17, ठीक है, ये एक बात थी, तो इसको आपको समझना था। अब आपको पूछा क्या गया है, इनकम टैक्स की दर आईटी की दर, यानी आईटी की दर किस पे लगती है, आपकी कुल आय पे लगती है, कुल आय कितनी है 20, तो दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3/20 × 100, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, और कितना हो जाएगा दोस्तों, 15%, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15%। क्लियर है, बस ये आपको समझना है, कुल इनकम में से टैक्स देते हो तो आपके पास में नेट इनकम आती है, और इनकम टैक्स में आपकी 17% को जो वृद्धि हुई है वो नेट इनकम की 3% की कमी के बराबर है, दोनों इक्वल है, यानी जितना आपने टैक्स दिया तो उतना आपकी नेट इनकम कम हो गई, बात तो वही हुई, नेट इनकम में 3% की कमी और इनकम टैक्स में 7% की वृद्धि।
एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए? ठीक है, सबसे पहले दो तरीके इसे करने के, ये है 35% किस में हुए दोस्तों, गणित में ये फेल हुए। दूसरे जो है वो है 25% किस में हुए दोस्तों, इंग्लिश में क्या हुए, फेल हुए, ये है मैथ्स में। और 10% छात्र दोनों में फेल हुए, यानी 10% दोनों में फेल हुए। अब दोस्तों टोटल 25 थे, टोटल 25 फेल हुए इंग्लिश में, और उसमें से 10% दोनों में, यानी इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल हुए, तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए दोस्तों, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, केवल इंग्लिश में कितने हो गए, 25 में से 10 के कितने हो गए, 15 हो गए। अब टोटल हुए थे 35% मैथ्स में, उसमें से 10% दोनों में, यानी मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए, 35 में से 10 गए कितने रहे दोस्तों, 25, यानी 25% केवल 25% केवल मैथ्स में फेल हुए, और केवल 15% केवल इंग्लिश में, और 10% दोनों में फेल हुए। यानी आप देखोगे कि टोटल फेल कितने हुए दोस्तों, तो फेल कितने हुए, 25 + 10 + 15 कितने हो गए दोस्तों, 50। ठीक है, तो 50% फेल हुए तो पास कितने हुए दोस्तों, यदि 50% फेल हुए तो पास कितने हुए दोस्तों, पास हो गए 50%। क्लियर है? चलिए दोस्तों, बहुत इजी तरीका है। एक और दूसरा तरीका जो है वो है किस तरीके से करता हूं मैं, 35 + 25 दोनों में हुए तो 5 + 10 = 0 3 और 2 = 5 और 1 = 60 यानी 60 दोनों में पास हुए, और दोनों में 60% पास हुए और 10% दोनों में पास हुए, तो -10 कर दो सीधा कितना आ जाएगा, 50, यानी 50% आपके दोनों में फेल हुए तो पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, 50%। सीधा तरीका ये भी है। ये आपके एवरेज का क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है, कुछ औसत यानी एक्स मान लेते हैं, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे औसत 5 रन कम हो जाता है, तो वर्तमान औसत आपको बताना है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है और 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, ठीक है, और फिर उससे औसत जो होगा वो 9 रन कम हो जाएगा, तो वर्तमान औसत आपको बताना है। मान लीजिए पहले कितना था औसत, एक्स था, ये कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यदि औसत हमारा x है और पारी कितनी खेली है, 11, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 11 पारियों के, 11x हो जाएंगे, प्लस 12वीं पारी में उन्होंने कितने 90 रन बनाए, तो टोटल अब कितने हो गए 12वीं पारी के बाद में रन कितने हो जाएंगे, 11x + 90। अब औसत देखोगे तो रन ये हो गए और पारियां टोटल कितनी हो गई, 12, तो 12 करेंगे, लेकिन जो नया औसत बन रहा है 12वीं पारी के बाद में वो कितना है, 5 रन कम है। पहले जो औसत था x था, उसमें से 5 कम है, तो कितना औसत हो जाएगा दोस्तों, x - 5। पहले औसत x था, अब औसत कितना हो गया, x 5 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 11x + 90 = 12x - 60, ये इधर आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ये x 150 हो गया, यानी पहले 11 पारियों का जो औसत था x, वो है x बराबर 150। पूछा क्या है, वर्तमान औसत बनाओ, तो वर्तमान तो अब कितना होगा 12वीं पारी के बाद में, 5 कम हो जाता है, तो 150 माइनस 5 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 145, ये आपका आंसर है 145। क्लियर है? चलिए ये वाला करिए क्वेश्चन, ये आपके टाइम एंड वर्क का है, अभी लेटेस्ट ही मैंने करवाया है लास्ट क्लासेस में, ताकि जरूर देखिए, बहुत अच्छी क्लास है। 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं, याद करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है पिछला वीडियो देखा है कि मैन वर्क और डेज और आवर्स भी है, तो यहाँ पे लिखने, और दूसरी कंडीशन में भी m2 w2 और d2 और into h2, यानी हावर इस प्रकार से लिखना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई प्रकार से गुणा करना, ठीक है।
अब देखिए पहली कंडीशन में M1 में देखिए पांच आदमी है तो पांच लिख दिया आपने, वर्क कितना है यानी कितने काम कर रहे हैं, 10 खिलौने बनाते हैं तो सारा काम इधर 10 बीच में लिख दिया, डेज कितने हैं 6 दिन तो डेज यहाँ पे लिख दिया 6, और घंटे कितने हैं 6 तो 6, ये पूरी पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट। दूसरे में क्या पूछा है कि ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी तो मैन इधर M2 हो गया, काम कितना है वापस 16 खिलौने बना सकते हैं, 16 लिख दिया। फिर घंटे हमें दिया है कितना है 8 घंटे, दिन हमारे पास में नहीं है, दिन पूछा है। दूसरी कंडीशन में पूछा है कि 12 आदमी 16 खिलौने 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं। पहली कंडीशन में दिया है कि 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में बना सकते हैं, तो ये हमें क्या करना है फॉर्मेट याद रखना, फिर आपको क्रॉस गुणा करना है इस प्रकार से करना है। तो कितना हो जाएगा 15 × 16 × 6 × 6 = 12 × 10 × x × 8। ठीक है, काट लेना, काटोगे तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 3 days। ठीक है, काट लेना आगे, ठीक है, चलिए तो आंसर आपका आएगा 3 days। तो इस प्रकार से बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट याद रखोगे तो कितना भी आपकी टफ आ जाए आ जाएगा। यदि आपको पूछा जाएगा कि ज्ञात करो कि कितने आदमी 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 किलोमीटर बन सकते हैं, यदि काम दुगना हो पहले की तुलना में, तो दुगना हो तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले काम में, यदि आधा है तो इसको आधा करना है, यदि 3 गुना है तो 3 गुना करना है, 3/2 गुना है तो 3/2, 2/3 गुना है तो 2/3 गुना, जो भी यहाँ पे पूछा है तो ऊपर वाले को करना है, बाकी नीचे वाला एज इट इज पूछा जाए तो एज इट इज, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 days। चलिए दोस्तों, हमारी जो सीरीज है वो इस प्रकार ही चलती रहेगी, जुड़े रहे हमारे साथ में इसी कार्रवाई में, आपकी मैथ्स स्ट्रांग बनती रहेगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आने वाले हैं वो सारे मैं आपके एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपकी आपके मैथ्स में पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको PDF चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यदि कोर्स लेना है कंप्लीट तो क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे इस नंबर पे। ठीक है, JL10 मेरा कोड है और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को अप्लाई करने से प्लस के कोर्स पर। ठीक है, और प्लस पे मेरा कोर्स जो है मैथ्स का लॉन्च हो चुका है, और आप पहले जो लॉन्च हो चुका है इट मीन्स आप वो कोर्स आपका वही रहने वाला, आप पहले वाले वीडियो भी देख सकते हो स्टार्टिंग से, जितने भी वीडियो वो आपके अंदर ही कोर्स में रहने वाले। ठीक है, और सारे जो मैथ्स है वो कंप्लीट वहाँ पे आपकी हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी साथ में है, मेगा टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको यदि खरीदना है उसमें आपको RPSC का कंप्लीट कोर्स मिलेगा दोस्तों, कंप्लीट कोर्स इट मीन्स आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे वहाँ पे कवर हो जाएंगे एक ही कोर्स में। ठीक है, तो RPSC का कंप्लीट कोर्स लेना है तो JL10 कोड अप्लाई करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।